प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो? और तुम कह रहे हो 5 साल का रिलेशनशिप है। हाय, एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो रिट्स, योर गुड नेम? हुसैन। हुसैन, हाय रिट्स, योर गुड नेम? भावना। आप अगर 2 या 4 मिनट के लिए फ्री हो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, अगर 2 या 4 मिनट के लिए फ्री हो तो मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? ज़्यादा लंबी बात नहीं है, लेकिन 2-4 मिनट की है, बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली मैं ना एक टास्क कर रही हूँ। टास्क में क्या है कि देखो, मेरे को गलत मत देना, ठीक है? अगर आपको मैं 20,000 रुपये दूँ, अभी 20,000 रुपीज़ आपको बाई पेटीएम करूँ और अपना iPhone 12 Pro Max देती हूँ, तो क्या आप अपनी बंदी को छोड़ दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ोगे? पर ऐसा क्यों? बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करते हो? कितने टाइम का रिलेशनशिप है आपका? 5 ईयर का है। 5 साल का रिलेशनशिप है, तो यार क्या हो गया? पैसे पैसे भी तो है ना? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं टास्क कर रही हूँ। नहीं, मेरे पास आजकल ज्यादा ऐसा कि कुछ यहाँ कैमरा वगैरह लगा है तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं कैमरे वैमरे का। देखो, सीरियसली बोल रही हूँ, मैं ना एक टास्क कम्प्लीट कर रही हूँ। मेरे पास आजकल ज्यादा पैसे आ रहे हैं ना, तो ये 12 Pro Max आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या है, कितनी है पता है? 1.5 लाख तो। हाँ, 1,40,000, 1,41,000 का लिया मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले। तो ये और बाय पेटीएम आपको मैं 20,000 रुपये दूंगी, तो कितने हो गए? 1,60,000। तो यार 1,60,000 के लिए क्या तुम अपनी बंदी को छोड़ दोगे? क्योंकि यार नहीं, प्यार की कीमत कोई पैसों से छोड़ना होती है। यार मैं समझ रही हूँ प्यार की कीमत पैसों से नहीं होती, लेकिन आजकल तो चलता ही है ना, पैसों के लिए तो यार दुनिया कुछ भी कर देती है। वो दुनिया है, हम दुनिया से अलग है। यार देखो, मैं पता है ये टास्क क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार मुझे ना तुम काफी पसंद आ गए हो, सच में। मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही हूँ, 20 मिनट से आप लोग प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो और मुझे आप काफी अट्रैक्टिव लगे हो बहुत ज्यादा। और मेरे को कम से कम 4 साल बाद ब्रेकअप के बाद एक अच्छा खासा बंदा पसंद आया जिसके साथ मैं आगे सो सकती हूँ। देखो, आपको जेलसी फील होने की जरूरत है? जेलस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली इनके लिए मैं अपने 1.5 लाख या मैं 1.5 करोड़ रुपए भी कुर्बान कर सकती हूँ। और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, कहते हैं ना समंदर में थोड़ा पसंद आ गया आपको इनमें, तो मुझे तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ पसंद आया होगा ना इनमें, तभी तो आप इनके साथ हो। लेकिन मुझे तो जानने में टाइम लगा, आपने तो एक बार भी। यार होता है ना, कभी कभी लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है, तो देख के एकदम बंदे को ये होता है कि बस यही चाहिए, जो है यही है। सॉरी, आप जा सकते हो। आप वैसे कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, 1-2 मिनट बात तो कर लो यार, शर्माओ मत। यार देखो, उनको प्रॉब्लम नहीं है, बात कर लो। उनको प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर उनको प्रॉब्लम होती तो वो कब से बोल देती है? अभी तक 2-3 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे आए। प्रॉब्लम होनी चाहिए, तुम बोलो ना यार। नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर आप वो आप में इंटरेस्ट दिखा रही है तो ठीक है, आप बात करो उनसे। तो तुम्हें जेलसी फील वगैरह नहीं होगी? मुझे क्यों जेलसी फील होगी यार, उनको रिलेशन है हमारा, तो 5 साल का रिलेशन है, तो उसमें जरूर छोड़ने की जेलसी फील होगा आप किसी से बात करो। बिल्कुल प्यार है यार, प्यार प्यार अब ऐसे दिखाने से थोड़ी ना होता है कि प्यार है तो मैं किसी। अगर तुम्हारी खुशी मुझ में है तो वो कह रही है मैं अपने प्यार का बलिदान। अगर सेम की खुशी है उनके अंदर तो मेरे कोई इश्यू नहीं है। ये कहना चाहते हैं दिखाऊं तो तुम्हें जेलसी फील होगा? नहीं होगा फील। अरे आपकी खुशी है तो ठीक है कोई। देखो मैं बताती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये कहना चाहते हैं कि हुसैन, अगर आपको ये लड़की पसंद है तो मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो मतलब ऑब्वियसली कर सकती हूँ। तुम मेरा प्यार पैसों से तोड़ दो भाई, फोन आईफोन समझ रहे हो, और 1,00,000 रुपए। हाँ, 20,000 रुपए iPhone 12 Pro Max मीन्स 1,60,000 का पूरा अभी आप जेब में डाल के जाने वाले हो। 2 लाख ले लो यार। 2 लाख वाली बात नहीं, शादी तो हमारी वैसे भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप मोमडन हो, मैं। हाँ शादी, देखो शादी भी नहीं हो सकती है। देखो शादी तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती। आप हुसैन, आप मोमडन हो, देखा जाता है प्यार में, रिलेशन में देखा जाता है, लेकिन फैमिली वाले तो देखते हैं ना। राइट, 5 साल पहले सोचनी चाहिए थी ना, 5 साल क्यों वेस्ट करे मेरे साथ? 5 साल वेस्ट क्या करे, मतलब मैंने अकेले ने नहीं करे ना, आप भी साथ में। मेरी लाइफ हुई है ना तुम्हारे साथ, 5 साल जिंदगी। तो मैं भी बोल सकती हूँ मेरी लाइफ भी स्पॉइल हुई है, मैं भी बोल सकती हूँ। शादी आप लोगों की हो नहीं सकती? कहना कुछ नहीं चाह रही मैं, सब कुछ कहना कुछ नहीं चाह रही हूँ। मेरी नजर फिलहाल वहाँ फोन पे जा रही है। अब मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, बट मेरे प्यार की कीमत तुम आईफोन से लगा रही हो। तुम मेरी बात सुनो, वो पता है क्या कहना चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है हमारे साथ में। जब फ्यूचर नहीं है तो यार 1.5 लाख प्लस नहीं, 1,60,000 रुपए के लिए आप क्यों इतना ये कर रहे हो यार? आपको मैं पसंद हूँ, मुझे तुम पसंद हो, तो समझ रहे हो बात को? ऐसे क्यों देख रहे हो? सच बात है, जो मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए तुम मुझे बताओ, तुम मुझसे ले लो, तुम्हें एक आईफोन पे मेरी कीमत लगा। मुझे आप ही नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। तुम्हें चाहिए? हाँ। चलो हुसैन, पहले तुम्हारे साथ टास्क कंप्लीट किया जाए। तुम ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें क्लियरली बोला, अगर मैं तुम्हें ये 12 Pro Max प्लस 20,000
हज़ार बाय पेटीएम आपको अभी ट्रांसफर करूँ, पहले पेटीएम करूँगी, उसके बाद ये फ़ोन आप पूरा ये नया फ़ोन एकदम काचा फ़ोन आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये देती हूँ तो क्या आप फाइनली अपनी बंदी से ब्रेकअप कर लोगे मेरे लिए? बिल्कुल नहीं करूँगा। बिल्कुल नहीं करोगे? यार सोच लो यार, 12 प्रो मैक्स है ये, कोई ऐसा 3,000-4,000 का फोन नहीं है। कोई नहीं, मैं खुद कमा 20,000 बाय पेटीएम भी तो कर रही हूँ ना। देखो आपको अगर मजाक लग रहा है तो बहुत गलत सोच रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आईफोन 12 प्रो मैक्स प्लस 20,000 बाय पेटीएम हैंड टू हैंड अभी नहीं, सॉरी नहीं, इतना ज्यादा प्यार है इससे यार। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि 5 साल आपने इसको दिया, इसने आपको दिया, लेकिन आप लोगों का फ्यूचर तो नहीं है फिर। वो आप मोमडन हो, वो भी वो है, चलो जात पात में भरोसा नहीं करते, लेकिन फैमिली वो बोल रही है कि फैमिली इश्यूज उठाएगी। मोमडन और हिंदू से क्या होता, प्यार से राइट तो से हाँ, होता है ना। देखो जात पात आजकल कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली अलाउ नहीं करेगी ना, तो शादी हो नहीं सकती। ये बात तो इन्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना कि फैमिली अलाउ नहीं करेगी। तो हमने आज तक इस टॉपिक पे बात ही कहाँ करी है कि हाँ आगे शादी और ये सब। वो तो मैं आ गई कि सिचुएशन क्रिएट हो गई और उनके मुँह से निकल गया कि शादी हो ही नहीं सकती है। ये बात तुम्हें पहले बोलनी चाहिए थी ना। हम लोगों ने इस टॉपिक पे बातें ना करी है। सच्चा प्यार तो आजकल हर दूसरे दिन किसी ना किसी को किसी से हो जाता है, किसी ना किसी को किसी से हो जाता है। सच्चा प्यार किसी को किसी से भी एक मिनट में हो जाता है, मतलब जैसे मुझे इनसे हो गया राइट। ऑब्वियसली उनको देखो अभी आपसे प्यार हो गया, वो आपके लिए इतना सब कुछ कुर्बान कर रही है। आप खुद सोचो ना, प्यार किसी आज के टाइम पे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो? और तुम कह रहे हो 5 साल का रिलेशनशिप है, चलो आप नहीं करोगे मतलब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप कहना आप बिल्कुल भी पैसों से ज्यादा आपके लिए 5 करोड़ भी दोगे मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा, पैसों से ज्यादा आपके लिए प्यार प्रायोरिटी पे है। आपका नाम क्या है? भावना। भावना एक बात बताओ, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ होती है, अगर मैं आपको अब ये देखो मेरे को तो ये चाहिए, अब इन्होंने मना कर दिया अपनी तरफ से, अब मैं आपसे वही सवाल रिपीट कर रही हूँ कि आपको मैं अभी 12 प्रो मैक्स प्लस 20,000 बाय पेटीएम करती हूँ, तो क्या आप इस बंदे को छोड़ दोगे मेरे लिए? Are you serious? Yes. पक्का छोड़ दोगे? पागल हो रही हो क्या? हाँ, मैं क्लियर बोल रही हूँ। अरे तुम मुझसे ये लोग ये सब चीजें आईफोन 1 करोड़ जितने भी चाहिए तुम्हें, मुझे नहीं चाहिए अब, तुम मुझे अभी 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 चाहिए अब, मुझे वही चाहिए। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें सारी चीजें जाके दे दूंगा। नहीं देना टाइम, नहीं देना। तो पैसों के लिए आप अपने प्यार पे का बलिदान दे सकते हो? हाँ, तो ठीक है, आपका मुझे पेटीएम नंबर बताओ तो इस बंदे को छोड़ दो, क्योंकि ये बंदा मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। ये भावना ये सब क्या? ये है पेटीएम, ठीक है, आप मेरे को अपना नंबर बताइए, मैं आपको डाल के दे देती हूँ। हाँ, अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर दो, मैं आपको पहले 20,000 हो रही हो क्या तुम? यार देखो अगर तुम मुझसे कहोगे ना आईफोन कितने पैसे चाहिए बताओ, मैं अभी मंगवा देता हूँ। मंगवाने वाली बातें नहीं है। तो फिर अब वो आपको पसंद भी तो है ना, तो आप दोनों की 1,60,000 रुपए के लिए आप दोनों की भी खुशी हो गई, मेरी भी खुशी हो गई, बात खत्म। यार तुम्हें मुझ में कमी लग रही है क्या? उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा मिल रहा है, करने वाला नहीं है। इशू क्रिएट करने वाली तो बात है ना ये, तुम 1,60,000 रुपए के लिए अपने प्यार को बेच रही हो, मंडी में खड़ी हो गया कि प्यार की कीमत लगा रही हो? बोलोगे मतलब मंडी में खड़ी? अरे तुम 1,60,000 देखो, वो ये कहना चाहते हैं हुसैन, वो ये कहना चाहते हैं प्यार बिकाऊ है और आप प्यार को आप ठुकरा रहे हो पैसों के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमारे बीच में देखो मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, लेकिन मैं इंटरेस्ट आपने यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे को इंटरेस्ट है। यही नंबर आपका 9812 ये 20,000 पेटीएम चेक करो। मेरे को अभी चेक करने में टाइम लगेगा, आप मुझे ऐसे दिखा दो। ये देखो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुके हैं, यहाँ से 20,000 मेरे का डिडक्ट हो गया। यार देखो अब मैंने डील कर लिया, तो 20,000 आपको पेटीएम आ चुके हैं और ये आपके लिए 12 प्रो मैक्स। ऐसे क्यों इतना क्रिएट कर रहे हो? मेरे से भी तो 5 साल आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, 5 साल पहले मेरे से भी तो प्यार हुआ था ना, साथ में रहो, इनसे भी प्यार हो जाएगा, क्या होगा? तो क्या दिक्कत है? जा रही हूँ, बाय बाय। अरे नहीं, उसको फोन चाहिए था, उसने ले लिया। आपको पता है कि मेरे को कितना पसंद है आईफोन? अरे मैं दिए देता हूँ तो मतलब ये दिला नहीं पाया था आपको आईफोन? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट अब मुझे अभी कुछ सामने कोई चीज मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको क्यों छोड़ूंगी? यार आपका प्यार तो बड़ा सस्ता निकला सच में। खैर मैं आपको नहीं बोलना चाहिए, मेरी तो डील थी, मेरा के लिए छोड़ा। आपने मेरे लिए नहीं छोड़ा, आपने आईफोन और 20,000 बाय पेटीएम छोड़ा, बट आप नहीं आते बीच में तो ये चीजें नहीं होती। बिल्कुल आप खुश हो ना, चलो कोई बात नहीं, धोखा देना ठीक नहीं है। गाइस में आगे बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारी प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी। अभी तो फिलहाल पैसे से सॉल्व नहीं होती, अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है पैसे से सॉल्व नहीं होती, ये आपको लगता है। गाइस में एक पार्ट ऐसा आएगा कि आपको किसी की जरूरत होगी, वो जब आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन आपकी वो जरूरत कभी पूरी नहीं होगी। जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी जिसकी नीड है वो नीड पूरी अभी होने से मतलब है, बाकी लाइफ का किसी का भरोसा नहीं है, आपका मेरा भी भरोसा। जाओ तुम इस आईफोन के साथ अपनी गाइस को जा रही हो, चलो आप सामने से जा सकते हो, बाय बाय।
थैंक यू सो मच. हम लोग बात कर ले एक बार बैठ के. देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आपका नाम हुसैन है ना? देखो मैं बताऊँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, वो चली गई है तो मैं इसलिए बता रही हूँ. मैं यूट्यूबर हूँ और मैं एक टास्क कंप्लीट कर रही थी, जस्ट देख रही थी, ये लाइव मतलब गोल्ड डिगर टेस्ट था जिसमें वो बॉस बिल्कुल हद तक फेल हो चुकी है. ठीक है, वो लड़की गोल्ड डिगर है और उसने पैसों के लिए 5 साल का रिलेशनशिप नहीं देखा है. ठीक है, और दूसरी बात, जो मैंने उसको पेटीएम किए थे वो मैंने उसको फेक किया सीरियसली. वो पैसे मैंने उसको, तुम्हें क्या लगता है 5-6 मिनट के लिए मैं उसको 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दूँगी? और जो आईफोन वो लेके गई है ना, वो मैंने कैमरा लगा के सामने रिकॉर्ड हो गया. वो देखो सामने कैमरा लगा और वो चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है. वो पाक तक ही पहुंची होगी, मैं उससे अपना फोन ले लूंगी, उसकी टेंशन मत लो. और वैसे भी रिकॉर्डिंग हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, फोन कहीं नहीं जा रहा है, फोन सेफ है. लेकिन आपको ऐसे कैसे कर सकता है 5 साल का रिलेशन 1,60,000 रुपए के लिए? मैं खुद ही शॉक्ड हूँ, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी. आपने इतना प्यार दिखाया, मैंने कम से कम 10,00,000 रुपए खर्च कर दिए होंगे 5 साल के रिलेशन में खुश रखने के लिए. ब्रांडेड कपड़े, हर चीज ब्रांडेड, एक आईफोन के लिए छोड़ के. पता है आपको ना, आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, आप जरूरत से ज्यादा ना इनोसेंट हो. जो जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं ना, उनके साथ हमेशा गलत होता है. सच में आपने उसको प्यार किया, इतना कुछ किया, हर चीज की उसके लिए, लेकिन उस बंदी ने बिल्कुल नहीं समझा. एक आईफोन के लिए और 20,000 रुपए के लिए उस बंदी ने आपको ठुकरा दिया. ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. तो इससे ना आपको एक लेसन मिलता है. तो आप दिल पे मत लो ये सब चीजें. मैं फोन तो अपना ले लूंगी. 5 साल का रिलेशन कोई ऐसे छोड़ के, एक दिन कोई साथ रह गया तो उसकी आदत हो जाती है, तो फिर भी 5 साल थे. बिल्कुल, आप परेशान मत हो, हम लोग अच्छे दोस्त रह सकते हैं हमेशा. मेरा नाम रिट्स सर, और अगर आप परमिशन दो तो मैं उस लड़की को थोड़ा एक्सपोज करके ना उसकी वीडियो जरूर डालूंगी, क्योंकि पता चले लोगों को कि बिल्कुल डालो, पता चले दुनिया को भी कि जो मुझे छोड़ के गई है उसके साथ भी. आप रो रहे हो क्या? अरे नहीं, रो नहीं ना बस. रो रहे हो आप? अरे नहीं, ऐसे देखो परेशान मत हो ऐसे. अरे डोंट क्राई यार. हुसैन नाम है ना, आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में. कहाँ से? हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे और हमेशा बात करेंगे. ठीक है, और बाकी उसको उसके औकात दिखाने के लिए ना, मैं अभी जा रही हूँ और उससे अपना फ़ोन लेके आती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा दूर चलेगी ना, मैं पकड़ नहीं पाऊँगी. ये एरिया ही मेरा है, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. और भरोसा, असली चेहरा भी दिख गया आपको. और भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अंधाधुंध भरोसा बहुत ही गलत है. ठीक है, और परेशान नहीं होना. ठीक है, मैं एक बार फ़ोन लेके आती हूँ उससे. ठीक है, चलो.